इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में आया सूर्य रिंकू का ऐसा तूफान जिसको देखने के बाद आप भी एक बार चौंक जाओगे। साउथ अफ्रीका की टीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा, भावुक होकर बाबुम्मा ने जो बयान दिया उसको सुनने के बाद आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले T20 मुकाबले में सूर्य रिंकू का आया जबर तूफान, शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी मारा शतक। आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले T20 मुकाबले को देखने के लिए चारों तरफ के लोग आए थे। आप सभी को बता दूं कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच ऐसा घमासान मुकाबला, ऐसा विस्फोटक मुकाबला हुआ, ऐसा साख रोक देने वाला मुकाबला हुआ जिसको देखने के बाद आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। भारतीय टीम मुकाबला हार ही चुकी थी लेकिन फिर सूर्य रिंकू, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ का ऐसा तूफान आया जिसको देखने के बाद साउथ अफ्रीकी की टीम थर थर कांपने लगी। जी हां, मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका के हारने के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान बाबुम्मा जो भारत की टीम को लेकर के बयान दिया है, जो खिलाड़ियों को लेकर के बयान दिया है, उसको सुनने के बाद आपके भी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। पूरा का पूरा हाईलाइट वीडियो आपको लाइव दिखाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप सभी को बता दें कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच ऐसा तूफानी बल्लेबाजी की, ऐसी गेंदबाजी भारतीय खिलाड़ियों की कि साउथ अफ्रीका के कप्तान बाबुम्बा भी चौंक गए और उन्होंने चौंक कर जो भारतीय खिलाड़ियों के लिए कहा उसको सुनने के बाद आप एक बार चौंक जाएंगे। पूरा का पूरा लाइव वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच में जब टॉस उछाला गया तो यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों के पक्ष में टॉस नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के पक्ष में टॉस गिरा। लेकिन टॉस जीतने का मतलब यह नहीं कि आप मुकाबला जीत गए। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूँ कि साउथ अफ्रीका के कप्तान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और अपने आप गेंदबाजी चुनी। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी ठीक कहा और मैं आपको बता दूं कि ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल को पारी में उतारा। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे ही मैदान पर गए उधर से साउथ अफ्रीका के धाकड़ गेंदबाज जो है मैदान पर आ गए। उन्होंने खतरनाक विस्फोटक गेंदबाजी से हमारे इंडिया टीम के पहले ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया। फिर स्ट्राइक पर ऋतुराज गायकवाड़ आए। ऋतुराज गायकवाड़ काफी खतरनाक खुखार विस्फोटक बल्लेबाज है, आपको पता ही होगा। T20 के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 51 गेंदों में 122 रन की नाबाद पारी खेली थी जिसको देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम थरथर कांपने लगी थी। वहीं कुछ ऐसा हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरे ओवर में सिर्फ अकेले ही दम पर, मैं आप सभी को बता दूं कि 16 रन ठोक डाले एक ओवर, दूसरे ओवर में 16 रन ठोक डाले। शुभम गिल को भी जोश आ गया, मैं आप सभी को बता दूं कि शुभम गिल ने भी एक ओवर में लगभग जो है 12 रन बना दिया। आप सभी को बता दूं कि पारी काफी ज्यादा खतरनाक खुकार चल रही थी। तीन ओवर में कुल मिला के रन जो भारतीय टीम के बन गए थे वो बन गए थे 34। आप सभी को बता दूं कि पारी की शुरुआत काफी फिलहाल ठीक हुई लेकिन भारतीय टीम की कुछ देर तक बल्लेबाजी ऐसे ही नहीं चली। आप सभी को बता दूं कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफ़ी ज़्यादा खराब चली बीच में, जिसको देखते हुए भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर में सिर्फ 156 ही बन पाया, जहां पर लग रहा था कि भारतीय टीम का स्कोर 200 पार नहीं कर पाएगा। लेकिन साउथ अफ्रीका के खुखार गेंदबाजों ने भारतीय टीम को फिलहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह मैदान पर आए। आप सभी को बता दूँ कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की धाकड़ बल्लेबाजी को देखते हुए साउथ अफ्रीका के अच्छे से अच्छे गेंदबाज यहाँ पर पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था आखिरकार बल्लेबाजी कौन कर रहा है, रिंकू कर रहा है या महेंद्र सिंह धोनी कर रहा है। आप सभी को बता दूं कि साउथ अफ्रीका की टीम के हारने के बाद बाबुम्मा ने जो बयान दिया उसको सुनने के बाद आपके भी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। आप सभी को बता दूं कि सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों में 150 रन ठोक डाले। मैंने बताया था कि सूर्य कुमार यादव अगर एक बार पिच पर चल गए, मैदान पर चल गए, तो अकेले ही 200-250 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। सूर्य कुमार यादव ने इतनी विस्फोटक खुखार बल्लेबाजी की, 51 गेंदों में 150 रन ठोक डाले। और रिंकू सिंह की अगर हम बात करें तो रिंकू सिंह ने 22 गेंदों में 74 रन बना दिए। आप सभी को बता दूं कि दोनों धाकड़ बल्लेबाज काफी देर तक टिके रहे। साउथ अफ्रीका की टीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो है भारतीय टीम का स्कोर 275 बन गया और साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 276 रन चाहिए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम मैदान में उतरी, हमारे गेंदबाज भी मैदान में उतरे। आप सभी को बता दूं कि पहला ओवर रविंद्र जडेजा डालने आए, वही रविंद्र जडेजा जिन्होंने वर्ल्ड कप में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और भारतीय टीम को कई मैच जीता है। आप सभी को बता दूं रविंद्र जडेजा ने जैसा ही पहला ओवर डाला तो साउथ अफ्रीका की टीम एक भी रन नहीं ले पाई लेकिन फिलहाल एक भी विकेट हमें हासिल नहीं हुआ। दूसरा ओवर डालने आए हर्षदीप सिंह, वही हर्षदीप सिंह जिनका नाम सुनते हुए साउथ अफ्रीका की टीम पहले ही काम उठी थी। मैं आप सभी को बता दूं कि साउथ अफ्रीका के ऊपर दबाव काफी ज्यादा बना हुआ था क्योंकि हर्षदीप सिंह की गेंदबाजी काफी ज्यादा तेज गेंदबाजी है, क्योंकि 150 की स्पीड
की गेंदबाजी करने वाले हर्षदीप सिंह ने पहले ही ओवर में दो विकेट चटका दिए, एक को क्लीन बोल्ड कर दिया और दूसरे बंदे को कैच आउट करा दिया। हर्षदीप सिंह ने एक ओवर में चार रन दिए और दो विकेट ले लिए। हर्षदीप सिंह की घातक गेंदबाजी देखते हुए बाबुम्बा भावुक काफी ज्यादा हो गए और बाबुम्बा समझ गए थे कि अब मुकाबला हमारे हाथ से निकल चुका है। तीसरा ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह काफी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज है, जिनको सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिया था, क्योंकि मुकाबले से पहले प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव कप्तान ने काफी बड़े बदलाव कर दिए थे, क्योंकि इतने खुखार विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाजों की वापसी के लिए थी कि साउथ अफ्रीका की टीम को कैसे भी हरा सकते थे आसानी से। लेकिन मैं आपको बता दूं, सूर्य कुमार किसी भी मुकाबला कोई भी तरीके से हारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में चैंपियनशिप उठा ली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इस मुकाबले को जीतकर भी चैंपियन बनना चाहते हैं। तो यहां पर हमारी भारतीय टीम की काफी अच्छी गेंदबाजी रही, हालांकि शुरुआत में गेंदबाजी थोड़ी खराब रही, लेकिन भारतीय टीम काफी बेहतरीन अच्छा प्रदर्शन दिखाया। साउथ अफ्रीका की टीम की अगर बात करें तो उन्होंने 225 का लक्ष्य पूरा कर लिया था, लेकिन वहां पर 20 ओवर पूरे हो गए थे। हमारे जो है घातक गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और हार के बाद जो है साउथ अफ्रीका के कप्तान बाबुम्बा ने कहा कि भारतीय टीम कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, काफी खतरनाक और खुकार टीम है, इस टीम से खेलना मुश्किल ही नामुमकिन है, इस टीम को कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन दूसरे T20 के मुकाबले में हम भारतीय टीम को जरूर हराएंगे। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हम पहले बोलबाला नहीं करते हैं, हम पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, मैदान पर आके दिखाते हैं अपना दम। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की सरजमी पर जाकर के पहले ही T20 मुकाबले में उनको उनकी औकात याद दिला दी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए भारतीय टीम के लिए। भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ियों ने पहला मुकाबला जीत लिया है। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। इससे पहले विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव में आप किसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।